हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा है राउंड टू में कट ऑफ जो एक्सपेक्टेशन था वो उससे काफ़ी हाई गया है। कुछ लोगों को लो लग रहा है, पता नहीं कैसे, लेकिन कट ऑफ जो है हाई है, ठीक है। और जो भी एक्सपेक्टेशन था वो सारे के सारे गलत साबित हुए। डाटा एनालिसिस जितने थे वो सारे गलत साबित हुए। अब बच्चे जो हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको एक बार थोड़ा सा उम्मीद जगाते हैं कि नहीं, अभी भी आपको सीटें मिल सकती है। कैसे? जो डाटा बोल रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और क्या कट ऑफ रह सकता है मॉपअप में, और शेषत्रीय तक क्या सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से। पहले तो वेरी सॉरी, क्योंकि डाटा एनालिसिस गलत साबित हुआ बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग, ठीक है। किसी का भी प्रोडक्शन से प्रिडिक्शन सही नहीं था। जो आके बोल रहे हैं कि जी हमने बोला था, जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं, तो वो तो 580 पे भी कॉलेज दिलवा रहे हैं। उनका वीडियो देख के रखो, वो तो मतलब कुछ भी बोलने से नहीं होता, ठीक है ना। प्रिडिक्शन गलत हुआ है तो सारे का गलत हुआ है, ठीक है ना। आप उसमें आगे एक आध कोई बोल दे जी नहीं हमने तो बोला था, ठीक है। इसमें दो फैक्टर रहे हैं, वो देखते हैं क्या क्या फैक्टर है और फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं। और प्रिडिक्शन माइट बी राइट और रॉन्ग, मैं साफ बताना चाहता हूँ। हम आपको डाटा एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये ऐसे हो सकता है, लेकिन बच्चे स्टेट में ना जाए, ऑल इंडिया में आ जाए, तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि बच्चे स्टेट में प्रेफर करते हैं, इसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं। और बाय द वे, स्टेट में से अगर ऑल इंडिया में आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, प्रिडिक्शन गलत हो सकते हैं, राइट। तो आपको एक चीज़ें दिखाता हूँ। अब देखिए, ये कट ऑफ हाई गया था, आपको बताइए। और इसके दो जो मेन रीज़न था वो सीट ब्लॉकिंग और हरियाणा के स्टूडेंट। हरियाणा में तो कुछ यूट्यूबर ने उनको ऑल इंडिया के स्टूडेंट के और वहाँ के स्टूडेंट को भी बोल दिया बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, बॉन्ड है वो चेंज हो जाएगी, मैंने आपको बोला है ऐसा बॉन्ड, क्योंकि जो पीजी करो के जो कानून के अगेंस्ट हो वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी अभी रिसेंट में ये चीज़ें बोली है कि सारे देश में एक ही बॉन्ड होनी चाहिए। और अब ये एनएमसी से बोला है, तो एनएमसी भी इस पर वर्क कर रही है और सरकार भी इसको जो रद्द करने के ऊपर काम कर रही है, अपना स्वास्थ्य मंत्रालय। तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो आप लोग हिचके ना, विश्वास करें, ठीक है। जो चीज़ें कानून के कोई भी लॉ आता है जो जो वैलिड ना हो, वैसे जबरदस्ती नहीं थोप देगा कि आप बताओ ST SC कहाँ से लाएंगे 40 लाख। जबरदस्ती उसका घर बेच के ले लोगे, सरकार भी नहीं ले सकती, उसका बाप भी नहीं ले सकता जब तक जॉब ना दे। अगर हरियाणा के आप हैं, आपको जॉब मिलेगा तभी ST SC वाले ले रहे हैं ना एडमिशन, उनके तो मार्क्स कम है तो गए ना। जनरल वाले को सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, सबके ऊपर बॉन्ड पॉलिसी है, ठीक है। तो हरियाणा के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वहीं पे एडमिशन ले, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है ना। और बॉन्ड जल्दी में हट जाएगी, आप विश्वास रखें, ठीक है। NMC भी इस पे काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कितने सीटें मोपअप में आ सकती है। लास्ट ईयर 1850 सीटें आई थी, दिस ईयर 2400 अप्रॉक्स आएगी। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो, जो सीट ब्लॉकिंग हुई है वो उसी तरह NEET PG में भी हुई है। NEET PG में पिछले साल से मैंने कंपेरिजन किया है तो 588 सीट, मतलब 600 के अप्रॉक्स जो है सीटें ज़्यादा आई है, क्योंकि वो भी ब्लॉकिंग हुई थी, वहाँ भी सेम वही सिचुएशन था। तो इस बार भी यहाँ पे 600 के आसपास सीटें आपके ज़्यादा आ सकती है, ये मान के चलिए 2400, और जितना आएगा उसके डबल आप समझ लेना, लगभग लगभग डबल, तो 4800 हो जाते हैं डबल, तो 4500 रैंक और बढ़ जाएगा जनरल में, मतलब ये मैं आपको मान के चल रहा हूँ। तो कहाँ तक आपको कॉलेज मिल जाएगी सीट मैट्रिक्स के बाद बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ, ये आप डाटा देखिए ज़रा एक इसको सही से। पिछले साल 2021 का डाटा है और वहाँ पे आप देखेंगे 17,624, ठीक है, आपके जनरल कैटेगरी का, और 21,227 तक मिला था लास्ट, तो 3600 रैंक का अंतर आया था। तो ये तो इतना तो आएगा आएगा, और इससे ज़्यादा आएगा क्योंकि ब्लॉकिंग हुई है। और इस बार सीट जो मॉपअप में आगे राउंड में ब्लॉकिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंजरा MCC सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, कॉलेज इंजरा MCC पे एडमिशन ले रहा है आपको, ठीक है। तो जो भी बच्चे राउंड टू में ले लेंगे,
ऑल इंडिया के, वो राउंड टू के बाद आगे कहीं नहीं एडमिशन ले सकते, ठीक है ना। तो अगर आपका स्टेट में हो गया है, इधर हो गया है, तो उसके बाद आप जा ही नहीं सकते। तो मॉपअप में वही छात्र आएंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। तो इसलिए ये जो गैप है 3600 का आपको दिख रहा है, इस बार ये 4500 तक पहुँच सकता है गैप। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना तक रह सकता है। अब आप 4500, आप बच्चे सोचे 5000 6000, तो आप नहीं मिलने जा रहा, तो वो भी मैं आपको प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ। और ये मोपअप का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जनरल 22500 से 23000, ओबीसी 22500 से 23000, ईडब्ल्यूएस 23000 से 23500, एससी 1,10,000 और एसटी 1,40,000, ठीक है। अगर सीटें और ज़्यादा आ गई तो ये और आगे आ सकती है, हम पहले सीट आएगा उसके बाद देखेंगे, लेकिन इतना तक बिल्कुल चांसेज है कि इतना जाएगा, ठीक है, इस बार। और इसके बाद थोड़ा देखते हैं कि देखिए ये सीट आपको बार बार बताता हूँ कि 2.5 गुना मिल जाता है लगभग लगभग, ठीक है ना। और तो 2.5 गुना से आप इस बार जो है 2.5 गुना कहाँ तक मिल रहा है, और ये आप देखेंगे सीट में का कि कितने सीटें हैं। तो मैंने आपको बताया था 9656 है, और कुछ सीटें और आ जाएगी, तो 2.5 गुना होता है 24140। तो कुछ सीटें मोपो में भी ऐड होगी, तो मतलब 24200 तो कॉलेज मिलना ही है, जो मेरा ये कहता है। अगर ये डाटा एनालिसिस गलत हो जाए देन अलग बातें हैं, लेकिन डाटा तो यही बोल रहा है जो इतने सालों का है। तो उसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से कहाँ तक कट ऑफ, क्या मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है डे वन से यहाँ तक, आप बच्चों को पूरा चांस है। पहले ये सेफ लग रहा था, मैंने इस पे एकदम 100% सेफ लग गया था, लेकिन अब ये लग रहा है यहाँ तक आपको कॉलेज अभी भी मिल जाएगा। ये प्रिडिक्शन मैं चेंज नहीं किया हूँ, एसटी का सिर्फ ज़्यादा बढ़ा दिया हूँ, क्योंकि एसटी 130 बोला था, अब 145 तक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये डे वन से यही प्रिडिक्शन है मेरा। और अब मैंने बोला था जो पहला था उसमें मैं ये बताया था कि 25000 तक चांस है, तो आप चांस नहीं है इनके, बिल्कुल लेस चांस हो गए, ठीक है, इनको चांसेस नहीं है। तो आपके अगर नंबर यहाँ तक है तो आप होप रख सकते हो, ठीक है, और इससे ऊपर है तो तैयारी में लग जाइए। अभी तक यही वो होता है दोस्तों जो डाटा बोल रहे हैं, और मैं झूठी आपको दिलासा नहीं दिलाना चाहता, मैं खुद दुखी हूँ, ठीक है, और क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये है, मैंने आपको बता दिया कि क्या रह सकता है कट ऑफ, ठीक है, और कितने सीटें आ सकती है। मेरे हिसाब से हरियाणा का स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए हरियाणा कॉलेज, ठीक है ना। आपको तमिलनाडु जाने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु में भी 5 ईयर आपको देने पड़ेंगे। बॉन्ड सिस्टम चेंज हो जाएगा, आप विश्वास रखिए, बहुत जल्द होगा, सरकार इस पर काम कर रही है, ठीक है, और आपको ऑल इंडिया में दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल पर नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।